जाट समुदाय के एक पूरे परिवार ने रात को सोते समय दलित परिवार पर कुल्हाड़ी और डंडों से किया जानलेवा हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल दलित नौजवान की उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत। पलवल के थाना हसनपुर के अंतर्गत भिड़ूकी गांव का है मामला। आपको बता दें कि 29 सितंबर लगभग रात्रि के 1 बजे दलित परिवार के घर का दरवाजा तोड़कर दिया गया था इस घटना को अंजाम। पीड़ित परिवार का आरोप थाने में ना जाने की दी गई थी धमकी और इसके बाद बेहद आपत्तिजनक कहे गए थे जाति सूचक शब्द। जानकारी के मुताबिक गांव में ही चाउमीन की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करता था दलित युवक। रेहड़ी पर मृतक युवक और आरोपी पक्ष में हुई थी मामूली कहासुनी। इसके बाद सुनियोजित तरीके से आरोपी पक्ष ने पूरे ही दलित परिवार पर सोते समय घर में घुसकर रात को हमला कर दिया। मामले की जानकारी के बाद पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे भीम आर्मी के लोग। जानकारी के मुताबिक मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी और 1 आरोपी फरार। पलवल के भिड़ूकी गांव से यह बड़ी घटना आई सामने। पूरे दलित परिवार पर एक जाट समुदाय के पूरे ही परिवार ने रात्रि में घर का दरवाजा तोड़कर किया है जानलेवा हमला और हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई है मौत। डेरा तो मैं सख्त सजा आ रहे हो फलानी बात तो मैं खत्म कर देंगे ये बात और ये धमकी 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 देने लग रहे हैं जो थाने जाएंगे तो फिर कुटेंगे तुम फिर मरे हो एक आज वो तो जी सब छोट गए जो वहाँ कहते या तो मैं वो मर गए बेहोश है वो कहते वो डर कमार सब गए मर गए तो सब भगेंगे यहाँ तो। साथियों ऐसा हुआ कि 29/9 को एक भाई जो कि चाउमीन बर्गर की दुकान करता है गांव के अंदर गांव भिड़ूकी के अंदर ही उनकी कुछ कहा सुनी दुकान पे हो जाती है फिर वो शाम को घर पर आकर धमकी दे के जाते हैं कि आज रात को हम तुझे घर में आके बताएंगे। फिर उसके बाद रात को जैसे ड्रिंक व्रिंक करके एक समूह बना करके वो लोग रात को 1-1.5 बजे करीब घर पहुँचते हैं। जो जिस भाई पर वारदात की उसका नाम ठाकुरलाल है वो अपने घर में अंदर सोया हुआ था और एक एल्युमिनियम का गेट लगा हुआ जो शीशा चढ़ा हुआ पहला शीशा तोड़ते हैं शीशा तोड़ करके कुंडी वगैरह तोड़ के गेट वेट को तोड़ के घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सीधा उनके ऊपर कुल्हाड़ी चलाते हैं कुल्हाड़ी चला के और उनकी पत्नी में मार लगाते हैं बच्चों में मार लगाते हैं और उसको इस हालत में कर देते हैं कि पलवल के अंदर कोई भी हॉस्पिटल ने उनको नहीं लिया और सफदरजंग में उनको एडमिट किया गया और एडमिट के दौरान उनका जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हम ये चाहते हैं कि जो फौजी है जिसका मेन रोल है जिसने कुल्हाड़ी चलाई है उसको पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे।